हेलो एवरीवन आज हम एन बायोलॉजी का सेकंड यूनिट जो है स्टार्ट करेंगे क्लास प्लस वन से हमने क्लास प्लस वन की जो है फर्स्ट यूनिट को जो है मतलब कम्प्लीटली वन बाय वन कवर कर लिया है जिसमें हमने लिविंग सिस्टम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के बारे में डिटेल में स्टडी कर लिया है तो आज हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स डेट इज़ द सेकेंड यूनिट ऑफ योर क्लास प्लस वन एन uh, इसको स्टार्ट करते हैं इसमें हम तीन चैप्टर जो है स्टडी करेंगे दैट इज़ अ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लारिंग प्लांट एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लारिंग एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स ठीक है तो ये तीन चैप्टर इसमें हम स्टडी करेंगे ठीक है आज हम कौन सा चैप्टर स्टडी करेंगे दैट इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लारिंग प्लांट देखो क्या होता है सबसे पहले हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लारिंग प्लांट में कौन कौन से टॉपिक स्टडी करेंगे सबसे पहले आपको मॉर्फोलॉजी के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए मॉर्फोलॉजी क्या होती है फिर हम रूट स्टेम द लीफ द इन्फ्लोरेसेंस द फ्लावर एंड द फ्रूट एंड द सीड के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे उसके बाद हम सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टिपिकल फ्लारिंग प्लांट और सम इम्पॉर्टेंट फैमिली के बारे में भी क्या करेंगे डिटेल में स्टडी करेंगे इससे भी आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं पूछे जाते हैं इसमें से क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम्पल से बनते हैं ठीक है एग्जाम्पल्स से आपके क्वेश्चन बनते हैं ठीक है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लारिंग प्लांट में बट डू यू मीन बाई मॉर्फोलॉजी तो प्लांट में मॉर्फोलॉजी को जब हम डिफाइन करते हैं तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फॉर्म एंड फ्यूचर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑर्गन लाइक रूट स्टेम लीव्स फ्लार फ्रूट एंड सीड्स जब हम क्या करते हैं इन सभी डिफरेंट प्लांट ऑर्गन के फॉर्म एंड फीचर को स्टडी करते हैं तो देन दिस इज़ कॉल्ड एज द मॉर्फोलॉजी हम इसी में स्टडी करेंगे द रूट को भी स्टडी करेंगे स्टेम को भी स्टडी करेंगे लीव को भी स्टडी करेंगे तो ऐसा क्या होता है कि आपके जो प्लांट में डिफरेंट ऑर्गन होते हैं उनकी फॉर्म एंड फीचर को जब हम स्टडी करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज द मॉर्फोलॉजी बोलते हैं ठीक है तो देखो अब एन सी क्या बोलती है द वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ हाइयर प्लांट विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस इवन दो द एनजुस्पम सो ए सच लार्ज डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी जब हम एनजूसपम को हमने एनजाम के बारे में डिटेल में स्टडी कर लिया है तो एनजियपम में क्या होता है कि वहाँ पे आपने हर एक प्लांट देखे होने स्मॉल साइज के हर्ब्स भी देखे होंगे श्रब्स भी देखे होंगे ट्रीज भी होंगे देखे होने तो उसमें क्या होता है कि हर एक एनजोस्पम में क्या होता है उनके साइज़ में उनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि बहुत सारी वेरिएशन देखने को मिलती है तो एनजियपम और फ्लारिंग प्लांट क्या करते हैं ये लार्ज डाइवर्सिटी जो होते हैं शो करते हैं इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और जिसको हम क्या बोल सकते हैं मॉरफोलो जी थी, ठीक है लेकिन क्या होगा सब में क्या बट दे आर करेक्टराइज बाई उनमें सब में क्या होंगे आपके रूट होंगे बट दे आर ऑल करेक्टराइज बाई प्रेजेंस ऑफ रूट स्टेम लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट जो होंगे सभी में क्या होंगे प्रेजेंट होंगे ठीक है तो इन चैप्टर नंबर टू दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड इन चैप्टर नंबर थ्री दैट इज़ प्लांट किंगडम जो है हमने जो है प्लांट के बारे में डिटेल में स्टडी कर लिया है हमने प्लांट के जो है मतलब मॉर्फोलॉजिकल एंड अदर करैक्टर के बेसिस के ऊपर उनको क्लासीफाई किया ठीक है तो वही चीज़ है फॉर एनी सक्सेसफुल अटैम्प्ट एट क्लासीफिकेशन एंड एट अंडरस्टैंडिंग एट हाइयर प्लांट बी नीड टू नो स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म एंड स्टैंडर्ड डेफिनेशन ठीक है इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हमें जो है मतलब क्लासीफिकेशन करनी होती है तो हमें टेक्निकल टर्म और टेक्निकल जो है आपके पास के होनी चाहिए स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी होनी चाहिए तो बी आल्सो नीड टू नो अबाउट द पॉसिबल वेरिएशन इन डिफरेंट प्लान फ्राउंड एज अडेप्टन ऑफ द प्लान टू देयर एनवामेंट अडेप्टन टू वेरियस हैबिटेट्स फॉर प्रोटेक्शन क्लाइंबिंग एंड स्टोरेज ठीक है ऑब्वियसली हम देखें कि ऐसे प्लांट्स होते हैं खुद को डिफरेंट हैबिटेट में जो है सर्वाइव करने के लिए क्या करते हैं अडेप्ट करते हैं डिफरेंट हैबिटेट में क्या करेंगे अडेप्ट करते हैं ठीक है तो इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे जैसे अगर आप किसी जैसे मान लो कि बीड को या सिंपल ले लो मस्टर्ड प्लांट को या आप क्या करोगे मतलब उसको क्या करोगे पुल आउट करेगे सॉइल से तो उसमें आपको क्या दिखेगा उसमें आपको लीव्स दिखेंगे उसको हम आपको स्टेम्स दिखेंगे उसमें आपको फ्लावर दिखेंगे उसमें आपको फ्रूट दिख सकता है उसक, उसमें आपको रूट दिखेगी तो आपका डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है उस प्लांट में आपको मिलेंगे डिफरेंट ऑर्गन्स के तो उन्हीं स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं उन्हीं सभी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे डिटेल में स्टडी करेंगे तो ऐसे स्ट्रक्चर जो कि बिलो द ग्राउंड थे दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द रूट सिस्टम और जो अब द ग्राउंड थे दैट इज कॉल्ड एज द शूट सिस्टम ये इसके बारे में आपको बता रहे हैं तो वही चीज़ है जैसे इफ़ यू पुल एनी बीड यू विल सी दैट ऑल ऑफ देम हैव रूट्स स्टेम एंड लिप्स दे मे बी बियरिंग फ्लार एंड फ्रूट और अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ फ्लारिंग प्लान्टज़ कॉल्ड एज द रूट सिस्टम एंड द पोर्सन अब ऑफ द ग्राउंड दैट इज़ कॉल्ड एज द शूट सिस्टम जो आपने प्लांट को क्या किया बाहर निकाला जो पोर्सन ज़मीन के नीचे था जो पोर्सन ज़मीन के नीचे था उस पोर्सन को हम क्या बोलते हैं उस पोर्सन को हम बोलते हैं रूट सिस्टम और जो पोर्सन जमीन के ऊपर था दैट इज़ कॉल्ड एज द शूट सिस्टम नॉर्मली उनको बोला जाता है तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे हम रूट के बारे में पढ़ेंगे द रूट के बारे में हम स्टडी करेंगे अब देखो यहाँ पे क्या होता है जैसे मैंने आपको जब करवाया था आपको मैंने एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर जो है मतलब डिटेल में करवाया था ठीक है जैसे मान लो कि आपका जो ये एम्ब्रियो है इसमें क्या होते हैं कॉटलीडनस होते हैं ठीक है मान लो मैं डाई कॉटलीडन के बारे में ही बात कर रहा हूँ जिसमें डाई कोट के बारे में ही बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या है दो कॉटलीडन थे और एक क्या होता है एक प्लम्यूल होता है और दूसरा क्या होता है आपका जो मतलब रेडिकल जो होता है यहाँ पर प्रेजेंट होता है रेडिकल्स क्या होता है प्रजेंट होता है तो आपकी जो रूट होती है दैट इज द दैट इज द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल ठीक है दिस इज कॉल्ड एज द रेडिकल दिस इज कॉल्ड एज द प्लम्यूल रूट जो है आपकी दैट इज द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल जो है दैट इज़ कॉल्ड एज अ रूट रूट कहाँ से बनती है आपकी रेडिकल से बनती है और जो रूट बनेगी वो कैसी बनेगी वो प्राइमरी रूट होगी ठीक है वो कौन सी रूट होगी वो आपकी प्राइमरी रूट होगी जैसे मान लो कि आपकी जो है ये प्राइमरी रूट फॉर्मेशन हो चुकी है किससे बनी है रेडिकल से बनी है अब इससे क्या होगा आपकी जो है सेकेंडरी रूट जो से है सेकेंडरी रूट्स होंगी क्या करेंगी वो अराइज होंगी इससे क्या होंगी फिर आगे जाके इससे आगे आपकी जो टर्सरी रूट जो है टर्सरी रूट होंगी मतलब वो क्या होंगी ब्रांचेज बनेगी तो पहले प्राइमरी रूट कहाँ से बनी आपके रेडिकल से बनी फिर प्राइमरी रूट गिराइज टू इट्स ब्रांचेज डेट इज सेकेंडरी रूट टर्सरी रूट एंड क्वार्टनरी रूट ये प्राइमरी रूट एंड ऑल इट्स ब्रांचेज होती हैं इन सब को मिला के हम क्या बोलते हैं दिस इज़ कॉल्ड एज द टैप रूट सिस्टम दिस इज़ कॉल्ड एज द टैप रूट सिस्टम तो प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेज इज़ कॉल्ड एज द टैप रूट सिस्टम उसको हम बोलते हैं ये हमने जिम्नोस्पर्म में भी पढ़ा था जब मैंने आपको जिम्नोस्पर्म में बोला था कि जिम्नोस्पर्म में क्या होती है कि टैप रूट होती है हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे तो यहाँ पे क्या है जो आपकी रूट होती है उसमें क्या होता है प्राइमरी रूट दैट इज़ अराइज फ्रॉम द रेडिकल पार्ट ऑफ द एमरी प्रायमरी रूट जो होती है दैट गिंडमरी रूट एंड इट्स ब्रांचिज होती है दे कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम उसको हम क्या बोलते हैं टैप रूट सिस्टम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू एन सी आर टी हम एनसीआर टी को लाइन बाई लाइन क्या कर रहे हैं स्टडी कर रहे हैं तो इन मेजोरिटी ऑफ डाइको प्लांट द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल लेन ऑफ प्राइमरी रूट विच ग्रो इन साइड द सॉइल इट बी ए लेटरल रूट ऑफ सैबरल ऑर्डर देट आर रेफर टू एज से रूट टर्सरी रूट एंड क्वाटनरी रूट एंड प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचिज होती है दैट कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम उसको हम क्या बोलते हैं टैप रूट सिस्टम बोलते हैं समझ आई है चीज़ जैसे कि हमने मस्टर्ड प्लांट में देखते हैं तो इसमें क्या होता है टैप रूट सिस्टम जो होता है पाया जाता है देख सकते हो आप मैंने क्या बोला जो आपकी प्राइमरी रूट होती है वो कहाँ से राइज करेगी रेडिकल पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो से क्या करेगी राइज करेगी फिर स्कैंड रूट बनेगी स्कैंड से टर्शरी बनेगी इसी को हम क्या बोलते हैं रूट सिस्टम बोलते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं टैप रूट सिस्टम जो है बोलते हैं तो इतना क्लियर होना चाहिए आपको ठीक है टैप रूट सिस्टम जो होता है इसका एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए कि इसमें होता है डाईकॉट में होता है, है जिम्नोस्पर्म में भी होता है जिम्नोस्पर्म में भी टैप रूट सिस्टम जो है पाया जाता है और मस्टर्ड का जो है आपके पास से एग्जाम्पल दे रखा है उसके बाद इन मोनोकॉट में क्या होता है इन मोनोकॉट प्लांट में क्या होता है आपकी तो जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं जिनमें केवल एक ही कॉटलिडन होता है जैसे ग्रासेस हो गया जैसे मेज हो गया जैसे वीट हो गया जैसे राइस हो गया ऑर्किड हो गया ये सारे क्या होते हैं मोनोकॉट होते हैं ठीक है तो मोनोकॉट में क्या होता है बेटा मोनोकॉट में प्राइमरी रूट्स होती है वो कुछ समय के लिए कुछ टाइम के लिए क्या होती है वो सर्वाइव करती है वो रिप्लेस हो जाती है तो प्राइमरी रूट जो होती है क्या होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है एंड रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ़ रूट्स जो होती है दैट अराइज फ्रॉम द डेट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड दैट इज कॉल्ड एज अ फाइबरस रूट सिस्टम ट इज सीन इन केस ऑफ व्हीट प्लांट देखो यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्राइमरी रूट होती है प्राइमरी रूट होती है दैट इज प्राइमरी रूट होती है दैट इज शॉर्ट लिव और दैट रूट इज रिप्लेस बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट दैट अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम दैट अराइज फ्राम बेस ऑफ द स्टेम और दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम इज़ कॉल्ड एज द फाइबरस रूट सिस्टम एंड फाइबरस रूट सिस्टम किस में पाया जाता है आपके मोनोगोड जैसे एग्जाम्पल आपके कौन सा आ गया वीट जो है आपका एग्ज़ाम्पल है वीट प्लांट जो है इसका नॉर्मल एग्जाम्पल जो है मतलब लिया जाता है समझ है ये चीज़ लेकिन कुछ ऐसे प्लांट इन सम प्लांट लाइक ग्रास हो गया ग्रासीज वगैरह मॉन्स्टेरा में हो गया या बनियान ट्री ठीक है बनियान ट्री में क्या होता है रूट जो होती है डेट अराइज़ फ्रॉम पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल जब आपकी रूट रेडिकल से बनती है तो उसको हम क्या बोलते हैं फाइब्रस रूट भी बोल सकते हैं वो तो शॉर्ट लीव हो जाती है उसके केस में और टैप रूट सिस्टम बोलते हैं लेकिन जब आपकी रूट अदर देन रेडिकल यानी कि स्टेम से राइज हो रही है आपकी लीव से राइज हो रही है या जो मतलब रेडिकल को छोड़ के कहीं से भी अराइज़ हो रही है उसी को हम क्या बोलते हैं दैट रूट इज़ कॉल्ड एज द एडवेंटिशियस रूट दैट रूट इज कॉल्ड एज द एडवें एडवेंटिशियस रूट जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो प्लांट दे रखा है यहाँ पे ये जो प्लांट इसमें क्या है स्मॉल स्मॉल रूट जो होती है डेट अराइज़ हो रही है कहाँ से स्टेम से जो मतलब वो अराइज़ हो रही हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे स्टेम से बहुत सारी रूट्स होती हैं वो अराइज हो रही हैं तो दिस इज़ कॉल्ड एज द दिस इज़ कॉल्ड एज द एडवेंटिशियस रूट सिस्टम दिस इज़ कॉल्ड एज द एडवेंटेसियस रूट सिस्टम तो क्या बोला इन सम प्लांट रूट अराइज फ्रॉम द पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल इज कॉल्ड एज द एडवाटेजियस रूट हम उसको बोलते हैं अब देखो रूट के मेन फंक्शन क्या होते हैं बट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ रूट देखो रूट का मेन काम तो ये होता है बेटा कि वो पानी और वाटर की वाटर और, वाटर और मिनरल्स के क्या करे एब्जॉर्प्शन करे तो मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम जो होता है जो प्राइमरी फंक्शन होता है जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जो सबसे प्राइमरी फंक्शन जो होता है वो कौन सा होता है दैट इज द एब्जॉर्बन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल और क्या करेगी प्लांट के को क्या करेगी प्रॉपर अटैचमेंट प्रॉपर एंकरेज प्रोवाइड करेगी और रिजर्व कई बार क्या होता है तो फूड भी क्या करती है स्टोर करती है और प्लांट ग्रोथ हार्मोन ठीक है प्लांट ग्रोथ हार्मोन दैट इज ऑक्सीजन साइटोकनिन जिब्रलिन ठीक है एबसेसिक एसिड इथाइलिन वगैरह कई कुछ ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं वो क्या बनते हैं हमारे रूट के रूट में क्या बनते हैं फॉर्म होते हैं रूट में फॉर्म होते हैं रूट में फॉर्म होते हैं तो मेन फंक्शन क्या है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंकरेज प्रोवाइड करना फूड भी स्टोर करती है और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी सिंथेसाइज करती है तो दीज आर द फंक्शन ऑफ़ रूट ये आपको पता होना चाहिए उसके बाद उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे मस्टर्ड का प्लांट दे रखा है फाइव रेस्ट रूट सिस्टम दैट इज द एग्जांपल ऑफ द टैप रूट सिस्टम सेकंड वन इज कॉल्ड एज द फाइव रेस्ट रूट सिस्टम एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज द एडवेंटिशियस रूट सिस्टम जिसको हम बोलते हैं ठीक है उसके बाद सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड एज द रीजन ऑफ रूट क्या होता है रीजन ऑफ रूट क्या होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लॉरिंग प्लांट में पढ़ेंगे लेकिन प्लांट फिजोलॉजी जब हम पढ़ेंगे डिटेल में तो वहाँ पे भी ये ये टॉपिक जो देखने को मिलता है ठीक है तो यहाँ पे क्या है रीज़न ऑफ रूट क्या होता है रूट जो होती है बेटा देखो रूट जो होती है इज़ कवर्ड बाई एट अपेक्स बाई ये थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज द रूट कैप देखो आप देख सकते हो रूट जो होती है ठीक है रूट जो होती है दैट इज कवर एट द एपेक्स बाई थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर डेट इज कॉल्ड एज द रूट कैप इसको हम बोलते हैं ये क्या करती है रूट कैप का जो काम होता है रूट कैप का जो मेन काम होता है उसका काम होता है कि आपके एपिकल रूट एपेक्स को क्या करना रूट एपेक्स को क्या करना प्रोटेक्ट करना रूट एपेक्स को क्या करना है मतलब प्रोटेक्ट करना तो इट प्रोटेक्ट द सॉफ्ट टेंडर का मतलब होता है सॉफ्ट एपेक्स ऑफ द रूट एज इट मे इट्स बे थ्रू द सोइल अब सो आपको पता है कि रूट क्या करती है सोइल में ग्रो करती है तो सॉइल में भी क्या करती है रूट डाउन बर्ड क्या करिए मूव करिए उसके एपैक्स को भी प्रोटेक्ट करिए रूट कैप और साथ साथ में क्या करते हैं वो जो है मतलब नीचे सॉइल में भी मूव कर रही है रूट कैप का जो दूसरा नाम है रूट कैप का जो दूसरा नाम है दैट इज़ कॉल्ड एज अ के कैलिप्ट्रा ठीक है कैलिप्ट्रा भी हम क्या बोलते हैं रूट रूट कैप को बोलते हैं ठीक है रूट कैप इज आल्सो कॉल्ड एज द कैलिप्ट्रा ये भी आपने याद रखना रूट कैप को हम क्या बोलते हैं कैलिप्ट्रा भी बोलते हैं ठीक है तो यहाँ पे रूट एपेक्स इज कवर एट द एपेक्स बाई थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज द रूट कैप ये क्या करती है ये हमारे रूट एपेक्स को क्या करती है जो कि सॉफ्ट होता है उसको क्या करती है प्रोटेक्ट करती है और रूट का जो है पैसेज बनाती है रूट को मूव करवाती है थ्रू द सॉइल उसके बाद एक यहाँ पे रीज़न पाया जाता है देखो यहाँ पे रीजन कौन कौन से होते हैं आपके रूट में जो रीजन होते हैं सबसे पहले होता है रू रीजन ऑफ मैडिसमेटिक एक्टिविटी यहाँ पे रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी इस रीजन की क्या प्रॉपर्टी होती है इस रीजन की ये प्रॉपर्टी होती है कि इस रीजन के जो सेल्स होते, है, होते हैं दे आर वेरी वेरी स्मॉल और थिन वॉल्ड होते हैं थिन वॉल्ड होते हैं यानी कि सेल वॉल्ज होती है वो कैसी होती है प्राइमरी इन नेचर होती है सेल वॉल जो होती है वो कैसी होती है प्राइमरी इन नेचर होती है

डिवाइड करते रहेंगे एक्टिवली उसके बाद एक और रीजन होता है दैट इज़ कॉल्ड एज द रीजन ऑफ इलॉन्गेशन जिसको हम बोलते हैं रीजन ऑफ इलॉन्गेशन में क्या होते हैं यहाँ के सेल क्या करते हैं इनमें से सेल वैक्यूल्स है, होते हैं फॉर्म होते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है जो सेल क्या करते हैं वो इलॉन्गेट करते हैं और रूट की इलॉन्गेशन में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दिस रीजन इज़ कॉल्ड एज अ जोन ऑफ इलॉन्गेशन या रीजन ऑफ इलॉन्गेशन उसके बाद लास्ट जो रीजन आता है दैट इज़ कॉल्ड एज अ रीजन ऑफ मैचुरेशन यहाँ पे सेल्स क्या करेंगे मैच्योर हो जाएंगे दे विल स्पेसिफाई टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर फंक्शन जैसे कुछ सेल एपिडर्मिस बनाएंगे कुछ सेल कॉर्टेक्स बनाएंगे कुछ सेल एंडोडर्मिस बनाएंगे कुछ पेरिसाइकल बनाएंगे कुछ जो मतलब जाइलम बनाएंगे कुछ फ्लोएम बनाएंगे कुछ पित्त बनाएंगे तो बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो सेल्स हैं वो मैच्योर हो जाते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन जो होते हैं वो करते हैं मतलब वो परफॉर्म करते हैं दिस इज जोन इज कॉल्ड एज अ रीज़न ऑफ मैचुरेशन और यहाँ पे कुछ एपिडर्मल सेल्स होते हैं यहाँ पे रूट हेयर भी फॉर्मेशन करते हैं और रूट हेयर का, का काम क्या होता है रूट हेयर का काम क्या होता है ये जो आपको दिख रहे हैं ये सारे क्या हैं रूट हेयर्स हैं और रूट हेयर का काम होता है वॉटर को एब्जॉर्ब करना वॉटर को एब्जॉर्ब करना मिनरल को एब्जॉर्ब करना तो ये भी आपने याद रखना है ठीक है तो दिस इज ऑल अबाउट हीयर रीजन ऑफ द रूट अब इसको हम क्या करते हैं एन सी आर टी से स्टडी करते हैं तो रूट इज कवर एट द अपेक्स बाई थिंबल लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज द रूट कैप इट प्रोटेक्ट द टेंडर अपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट्स बेथ्रोड दॉयल ए फ्यू मिलीमीटर अबब द रूट कैप क्या होता है एक रीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं रीजन ऑफ मेरिसमेटिक एक्टिविटी बोलते हैं और सेल ऑफ दिस रीजन क्या है दे आर वेरी वेरी स्मॉल थिन वर्ड होते हैं डेंस प्रोटोप्लाज्म उनका होता है और ये डिवाइड करते रहते हैं एक्टिवली क्या करेंगे ये डिवाइड करते रहेंगे उसके बाद सेल जो इसके नज़दीक होंगे डेट इज़ कॉल्ड एज द उनमें अंडर दे रीजन दिस रीजन अंडर गो रेपिड इलॉन्गेशन एंड एनलार्जमेंट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट इन द लेंथ obviously दिस रीजन इज कॉल्ड एज द रीजन ऑफ elongation यहाँ पे elongation होती रहती है हमारा vacuole बनेगा तो obviously सेल क्या करेगा मतलब वो इलॉन्गेट करेगा जब सेल elongate करेगा तो उसमें क्या होगा obviously रूट भी हमारी क्या करेगी elongate करेगी जैसे ये सेल elongate हो गया इसमें vacuole फॉर्मेशन होगी ठीक है इसमें वैक्यूल फॉर्मेशन होगी तो obviously मैं रूट भी क्या करेगी वो इलॉन्गेट करेगी और सेल ऑफ elongation जो होते हैं ग्रेजुअली फिर क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे मैच्योर करेंगे हैंस दिस जोन प्रो अप्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ इलॉन्गेशन जो है इस कॉल्ड एज द रीजन ऑफ मैचोरेशन और यहाँ से क्या होता है कुछ एपिडर्मल सेल्स से क्या होते हैं रूट हेयर जो होते हैं वो अराइज़ होते हैं वेरी फाइन डेलीकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं दे विल अराइज फ्राम द एपिडरमल सेल्स दिस इज़ कॉल्ड एज द रूट हेयर और ये रूट हेयर क्या करते हैं ये वॉटर की ऑब्जॉप्शन करते हैं और मिनरल की ऑब्जॉप्शन करते हैं फ्राम द सॉयल ठीक है फ्रॉम द सॉइल लेकिन आपने याद रखना कि ऐसे रूट हेयर जो होते हैं वो माइकोराइजल रूट हमने माइकोराइजल रूट होती हैं जिमनोसप में पढ़ी है ठीक है माइक्रोराइजर को हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं ठीक है तो यहाँ पे क्या है कि माइक्रोराइजल रूट जो होती है उसमें जो है, root hairs होते हैं रूट हेयर होते हैं एबसेंट होते हैं रूट हेयर होते हैं दे आर एबसेंट इन माइकोराइजल रूट ठीक है न, root, तो यहाँ पे चीज़ क्या है ये आपकी जो है रीजन ऑफ रूट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं ठीक है थीके? उसके बाद उसके बाद एक और यहाँ पे रूट के साथ साथ ही हम करेंगे कि मॉडिफिकेशन ऑफ रूट आपका जो यहाँ पे नहीं दिया है रूट की कई बार मॉडिफ़िकेशन भी हो जाती है रूट की कई बार जो है मॉडिफ़िकेशन भी हो जाती है ठीक है अब देखो मॉडिफ़िकेशनस में क्या होता है ठीक है मॉडिफिकेशन का जो है आप क्या होता है ठीक है आपकी जो पुरानी एन में है ये सब चीज़ें नहीं होती है ठीक है तो ये जो ये जो रूट की जो मॉडिफ़िकेशन होती है देखो कैसे होती है रूट की मॉडिफिकेशन देखने के लिए यहाँ पे आपकी नई वाली एन में ये चीज़ें नहीं दी गई है तो मॉडिफिकेशनल रूट में क्या होता है देखो मेन काम क्या है रूट का मेन काम जो रूट का है इनका मेन काम होता है वाटर एंड मिनरल को जो है एब्जॉर्ब करना लेकिन जब कुछ प्लांट में जब कुछ प्लांट में क्या करती है रूट जो होती है अदर देन अदर देन मिनरल एंड वाटर की ऑबजॉप्शन के सिवाय कोई काम करती है जैसे स्टोरेज करती है स्पोर्ट करती है रेस्पिरेशन में हेल्प करती है तो उस रूट को हम क्या बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट बोलते हैं क्या बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट हम बोलते हैं ठीक है जैसे आपने देखा होगा टैप रूट ऑफ ठीक है ये टैप रूट ऑफ टैप रूट जो होती है किसके केस में कैरेट में दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द गाजर ठीक है टर्निप जो है टर्निप केस में यहाँ पे टैप रूट ऑफ़ कैरेट एंड टर्निप में क्या कर रही है ये फूड स्टोर कर रही है कैरेट और टर्निप जो होती है फूड स्टोर कर रही है लेकिन एडवेंटिशियस रूट देखो यहाँ पे एडवेंटेशियस रूट ऑफ़ स्वीट पोटैटो जो होती है वो भी क्या करती है फूड स्टोर करती है तो सबसे पहले काम क्या कर रही है मैं रूट जो है मतलब फूड स्टोरेज का काम रही है किसके केस में कैरेट के केस में और साथ में आपके टर्निप के केस में ठीक है किसके केस में टर्निप के केस में और एडवेंटिश रूट जो होती है एडवेंटेज रूट जो होती है किसके केस में स्वीट पोटैटो के केस में वो भी क्या है फूड को स्टोर कर रही है उसके बाद नेक्स्ट होता है कि कई बार आपने बनियान ट्री को देखा होगा हो हो हो। बनियान ट्री में क्या होते हैं उसके स्टेम से जो होती हैं जैसे मान लो कि बनियान ट्री है ठीक है इसके स्टेम से जो होती है बहुत सारी रूट जो होती है राइज होती है जो कि ग्राउंड को टच करती हैं ठीक है ग्राउंड को टच करती हैं इसका मेन काम क्या होता है स्पोर्ट प्रोवाइड करना उनको हम क्या बोलते हैं प्रॉप रूट बोलते हैं तो जो हैंगिंग स्ट्रक्चर होते हैं दैट स्पोर्ट ए बनियान ट्री इज़ कॉल्ड एज द प्रॉप रूट और प्रॉप रूट का, का मेन काम क्या होता है स्पोर्टिंग प्रोवाइड करना प्रॉप रूट का मेन काम क्या होता है स्पोर्टिंग प्रोवाइड करना ठीक है उसके बाद आपने शुगर केन वगैरह में या मेज़ वगैरह का जो प्लांट देखा होगा उन प्लांट में क्या होता है उन प्लांट में आपका जो है मतलब यहाँ पे जैसे मान लो कि ये प्लांट है ये प्लांट ऐसे शुगर केन और मेज़ का ये प्लांट है ठीक है ये ग्रो कर रहा है नीचे ठीक है तो इसके लोअर नोट से क्या होती हैं बहुत सारी जो होती हैं मतलब आपकी रूट जो होती हैं वो अराइज़ होती हैं इन रूट को हम क्या बोलते हैं स्टिल्ट रूट बोलते हैं क्या बोलते हैं स्टिल्ट रूट बोलते हैं और इनका मेन काम क्या होता है ये भी जो है मतलब स्पोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है यानी कि मेज़ एंड शुगर केन में क्या होता है स्पोर्टिंग रूट जो कि हमारी लोअर नोड ऑफ द स्टेम से राइज होती हैं और दिस इज़ कॉल्ड एज द स्टिल्ड रूट उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं स्टिल्ड रूट जो इसको हम बोलते हैं ठीक है उसके बाद उसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दैट इज राइजोफोरा देखो हमारी रूट जो होती है वो क्या करती है रूट जो होती है वो क्या करती है वो ग्रेविटी की तरफ क्या करती है ग्रो करती है जैसे रूट है जैसे मान लो ये ग्रेविटी है इन ग्रेविटी की तरफ क्या करेगी वो नीचे की तरफ क्या करेगी ग्रो करेगी तो रूट क्या होती है नॉर्मली हमारी पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है और सनलाइट के बिल्कुल विपरीत क्या करेगी ग्रो करेगी ठीक है तो वो क्या होती है नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती है लेकिन राइजोफोरा और एक और प्लांट है सोनरेशिया ठीक है ये प्लांट ऐसे प्लांट है जो कि स्वैम्पी एरिया मैंग्रोव एरिया या दल दल में क्या करते हैं ग्रो करते हैं और दल दल में क्या होती है ऑक्सीजन की कमी होती है तो इसलिए क्या होता है इन प्लांट में जो होती है रूट जो होती है वो पॉजिटिवली क्या हो जाती है फोटोट्रॉपिक हो जाती है और नेगेटिवली क्या होती है जियोट्रॉपिक होती है इसमें क्या होती है बहुत सारी ऐसी ब्रांचेज होती है वो अराइज हो जाती है तो यहाँ पे क्या होते हैं राइजोफोरा सोनरेशिया जो होते हैं ये ऐसे प्लांट है जो कि स्वैम्पी एरिया में ग्रो करते हैं जहाँ पर बहुत सारी रूट्स होती हैं दे कम्स आउट ऑफ द ग्राउंड और अपवर्ड क्या करते हैं वर्टिकली ग्रो करती हैं और इन रूट को हम क्या बोलते हैं न्यू मेटोफोर बोलते हैं क्या बोलते हैं न्यू मेटोफोर बोलते हैं या इनको हम क्या बोलते हैं ब्रीदिंग रूट भी बोलते हैं इनका मेन काम क्या होता है रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना तो वही चीज़ है दिस रूट जो होती हैं दे आर कॉल्ड एज द निमेटो निमेटोफोर्स बोलेंगे और ब्रीदिंग रूट बोलते हैं और इनका मेन काम क्या है मेन काम जो होता है आपका इनका क्या होता है ऑक्सीजन का आ, मतलब रेस्पिरेशन में हेल्प इंपॉर्टेंट रोल करती हैं रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं ठीक है ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं ये भी आपने याद रखना ठीक है ये भी आपने याद रखना जैसे मान लो अगर मैं न्योमेटोफोर को एक बनाऊँ ऐसे न्योमेटोफोर है ठीक है इसमें बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं लेंटी सेल्स होते हैं जहाँ से क्या होता है गैसेज एक्सचेंज होता है और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं निमेटो फोर्स बोलते हैं तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में हमने क्या पढ़ा जो आपकी स्टोरेज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जैसे स्टोरेज क्या करेगी फूड को स्टोर करेगी जैसे टैप रूट किस में होगी कैरेट में होगी टर्निप में होगी और एंड एडवेंटेज रूट किस में होगी जो भी फूड स्टोर करती है आपकी स्वीट पोटैटो वगैरह या एसपैरागेस्ट होगा ये भी आपका एडवानटेज रूट में ही फूड की फॉर्म में रूट फूड स्टोर करता है स्पोर्ट के लिए प्रॉप रूट है आपको पता है स्पोर्ट भी प्रोवाइड करती है बनियान ट्री में स्टिल रूट जो होती है मेज और शुगर कौन में पाई जाती है और रेस्पिरेशन में कौन हेल्प करती है निमेटोफोर जिसको हम बोलते हैं राय जो आपका जो मतलब राइजोफोरा में जो होती हैं ये रूट जो मतलब है मतलब पाई जाती हैं तो दिस इज़ ऑल अबाउट यूर रूट तो रूट में हमने क्या पढ़ा रूट क्या होती है कितने सिस्टम होते हैं टैप रूट सिस्टम हमने पढ़ा फाइब्रस रूट सिस्टम हमने पढ़ा एडवेंटेस रूट सिस्टम हमने पढ़ा उसके बाद रीजन ऑफ द रूट हमने पढ़े और मॉडिफिकेशन ऑफ रूट हम हमने जो है डिटेल में स्टडी कर ली है ठीक है ओके